चर्चा की शुरुआत आनंद भाई ने की और मैं धन्यवादी हूँ उनकी कि उन्होंने पूरे विश्व का आज का नक्शा सामने रखकर उसको शुरू किया। विश्व किस स्थिति में है, किन चुनौतियों का सामना कर रहा है और ऐसे में हमारी क्या भूमिका है और क्या होनी चाहिए, तो जिसे कहते हैं टोन सेट की उन्होंने कि ये चर्चा किस परिधि में होनी चाहिए। मैं धन्यवादी हूँ आपकी। अगला वाक्य आपने कहा कि प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी विदेश नीति के कारण बहुत सम्मान कमाया, ये सत्य है। लेकिन इसके साथ ही एक वाक्य मैं जोड़ना चाहूंगी, प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने व्यक्तिगत रूप पर सम्मान कमाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे भारत को सम्मान दिलाया। उपसभापति जी, विनय सहस्र बुद्धे जब बोल रहे थे तो उन्होंने एक वाक्य कहा था कि अब विश्व एक अलग दृष्टि से भारत को देखता है, ये सच है। और इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि जो बातें आपने यहाँ रखी वो तथ्य के विपरीत हैं। 16 सांसदों ने, मैं इतिहास को भी सामने बताऊंगी, 16 सांसदों ने, देखिए मैंने आपको बहुत ही आसानी से सुना और एक व्यक्ति हमारी ओर से खड़ा हुआ बोलने के लिए, उनको टोकने के लिए, तो मैंने खड़े होकर कहा कि मैं उत्तर देने में सक्षम हूँ, आप बैठ जाइए। अब मैं पूरे सदन से कम ये निवेदन करूंगी कि सबने अपनी बात कह दी, अपना दृष्टिकोण दे दिया, तो सरकार का दृष्टिकोण भी सुनिए, शांति से सुनिए। 16 सांसदों ने जिन्होंने बोला उनमें से मुद्दे 16 नहीं उभरे, कम उभरे, लेकिन जो उभरे वो क्या थे? पड़ोसी देशों से संबंध, विनय सहस्र बुद्धे, स्वपन दास गुप्ता और दिलीप कुमार की को छोड़ के सबने ये कहा पड़ोसियों से हमारे संबंध खराब हैं। पाकिस्तान का मुद्दा उभरा, आपने पूछा रोडमैप क्या है। चाइना का मुद्दा उभरा, चाइना की पड़ोस में जो घुसपैठ है उसके बारे भी, और आज जो डोकलम और सिक्किम के सामने जो स्टैंड ऑफ है, मनीष जी और सतीश जी दोनों ने उसका जिक्र किया। रूस का मामला बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से रामगोपाल यादव जी ने उठाया। वेस्ट एशिया के बारे में शरद यादव जी ने चर्चा की, ये और इसराइल के बारे में सीताराम येचुरी भी बोले और आपने भी प्रारंभ किया था उस बात को। मैं इन तमाम बातों का जवाब दूंगी, सिर्फ शांति से सुनिए। जहां तक पड़ोसी देशों के संबंध का सवाल है, उपसभापति जी, मित्र की परिभाषा क्या है? हम किसे मित्र कहते हैं, फ्रेंड? जब एक देश संकट में पड़ा हो और जिससे मदद मांगे उसको वो मित्र की कैटेगरी में रखेगा? और जो मित्र सबसे पहले मदद को पहुंचे, जो देश, वो मित्र देश की कैटेगरी में आएगा? आप इतिहास की बात कर रहे हैं आनंद भाई, इतिहास गवाह है। मालदीव का पानी संकट आया, सुबह 7 बजे तत्कालीन उनकी विदेश मंत्री दुनिया मामून ने मुझे फ़ोन किया और 3 घंटे बाद रेल नीर का भरा हुआ जहाज मालदीव के लिए चल पड़ा। श्रीलंका में बाढ़ आई, सबसे पहले कौन पहुंचा? भारत। नेपाल में भूकंप आया, सबसे पहले कौन पहुंचा? भारत। और सारा सामान लदा कर ले गए, और जब तक वहां के लोग बिल्कुल व्यवस्थित नहीं हो गए तब तक भोजन का प्रबंध, बाकी चीजों का प्रबंध सारा किया। उसके बाद जब डोनर्स कॉन्फ्रेंस हुई कि नेपाल के पुनर्निर्माण के लिए क्या दिया जाएगा, शायद वो चाइना की तरफ देख रहे थे कि ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा बड़ी राशि $1,00,000,000,000 की भारत ने घोषित। इसके बाद आप कहते कि हम मित्र देश नहीं है, और आप अपनी बात कर रहे हैं आनंद भाई। 17 साल तक भारत का कोई प्रधानमंत्री नेपाल की जमीन पर नहीं गया, और उन 17 सालों में से 11 साल आपकी सरकार थी। और जो आप बात कर रहे हैं 2-3 जगह ब्लॉकेड हो गया, ये हो गया, आपके समय जितना बड़ा ब्लॉकेड हुआ, राजीव गांधी जी के समय जितना बड़ा ब्लॉकेट हुआ, याद है आपको? ये इतिहास, आपने कहा ना इतिहास, में इतिहास बता रही हूँ और इतिहास के माध्यम से ये तर्क दे रही हूँ कि जिस नेपाल के संबंधों की आप बात करते हैं, 17 साल तक भारत का प्रधानमंत्री वहां जाए नहीं तब संबंध अच्छे, और जो प्रधानमंत्री 2-2 बार जाए उसके साथ संबंध खराब। आप श्रीलंका की बात कर रहे थे, आपने कहा श्रीलंका में ग्वादर दे दी, कोलंबो दे दी, हम्बनडोटा दे दी, हैं?
नहीं नहीं, आप बात कर रहे, आप चीन, मैं ये कह रही हूँ, आप पड़ोसी देश के बारे में बात कर रहे थे ना कि चीन की घुसपैठ। मैंने कहा आपने दो चीजें उठाई, एक तो संबंध खराब है, दूसरा चीन की घुसपैठ है। तो चीन की घुसपैठ में आपने तीन नाम लिए, ग्वादर पोर्ट का नाम लिया, कोलंबो का नाम लिया, हम्बनडोटा का नाम लिया। तीनों में पोर्ट बनाई चाइना ने, मगर बनाई कब? 2008 में शुरू हुआ ग्वादर, शुरू हुआ हम्बनडोटा। नहीं, मेरे पास है पूरा, मैं बताती हूँ। और एक एक चीज बताऊंगी कौन कौन सी चीज शुरू। हम्बनडोटा, श्रीलंका हम्बनडोटा, पहला फेज शुरू हुआ 2008 में, किसकी सरकार थी? कंप्लीट हुआ 2011 में, किसकी सरकार थी? कोलंबो का। दूसरी बात, कोलंबो का कहते ना हम्बनडोटा के बाद कोलंबो। 85% चाइनीज मेजोरिटी के साथ स्टार्ट हुआ कब? 2011 में। खत्म कब हुआ? 2014 में। ग्वादर की बात आप कर रहे हैं, बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में। 2013 में चाइना ने सिंगापुरियन कंपनी से लिया, किसकी सरकार थी? आनंद भाई ये पूछना चाहती हैं। Why did you express the concern? Why were you not concerned in 2008 if you were expressing the concern? Why were you not concerned in 2011? Why were you not concerned in 2013? आज आपको concern याद आया? आज आपको concern याद आया? आप आज हमारी विदेश नीति पर बोल रहे थे, इसलिए जो concern आप ये बता रहे हैं, उन concern के जन्मदाता आप हैं। अगर हम्बनडोटा का कंसर्न है, अगर कोलंबो का कंसर्न है, अगर ग्वादर का कंसर्न है, तो मैं कहना चाहती हूँ वो कंसर्न का जन्म कब हुआ? वो कंसर्न का जन्म आपके समय हुआ। इसलिए आज हमारी विदेश नीति पर ये आरोप मत लगाइए कि ये कोलंबो, ग्वादर, हम्बनडोटा हमने दी। हमने तो हम्बनडोटा सिक्योर की।